काफ़ी लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है, जो लोग माइनिंग कर रहे हैं उनके लिए भी और जो लोग माइनिंग नहीं कर रहे उनके लिए भी। क्योंकि देखा जाता है कि आम तौर के ऊपर हमारे पास में जो पुराने जो मॉनिटर होते हैं या पुराने मदरबोर्ड होते हैं उसमें वीजीए केबल होता है, और जिसके थ्रू हम अपने डिस्प्ले मदरबोर्ड से अपने मॉनिटर के अंदर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जब ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करते हैं तो ग्राफिक कार्ड के अंदर वीजीए का स्लॉट नहीं होता है, इसमें DVI-I और DVI-D स्लॉट होता है, उसमें वीजीए स्लॉट होता नहीं है, तो उसके लिए हमें HDMI स्लॉट का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम वीजीए केबल अपने ग्राफिक कार्ड के अंदर लगा नहीं सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो पुराने मदरबोर्ड है उसमें तो आप वीजीए केबल के थ्रू अपना डिस्प्ले है मॉनिटर के अंदर ले सकते हैं, लेकिन जब आप ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तब ये डिस्प्ले आना बंद हो जाती है और आपका ये वाला जो वीजीए स्लॉट है वो काम नहीं करता है, क्योंकि आपने ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर दिया है। तो इसके लिए कुछ बायोस सेटिंग करनी पड़ेगी, और आपको एक केबल आता है, एडेप्टर बोलते हैं जिसको, HDMI to VGA कन्वर्टर, ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने ग्राफिक कार्ड के अंदर, तब जाके आप इसके अंदर डिस्प्ले ला सकेंगे। जिसके लिए आपने कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पर आपको दो पोर्ट दिए हुए हैं, जिसमें से नीचे वाला जो पोर्ट है मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो है आपका HDMI पोर्ट है, इसके अंदर ही HDMI लग जाएगा, और यहाँ पर आपका लग जाएगा VGA केबल। तो अभी इस तरीके से सेटिंग करने के बाद में आपका जो डिस्प्ले है इसमें आना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर डिस्प्ले नहीं आता है तो आपको बायोस सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बायोस सेटिंग के अंदर ये पोर्ट ऑन नहीं होता है, तो आपने PCI स्लॉट को ऑन करना जरूरी, क्योंकि आपने ये जो ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो PCI स्लॉट के अंदर करने जा रहे हैं, तो बायोस सेटिंग के अंदर आपने PCI स्लॉट को एनेबल करना ज़रूरी है। तो पहले हम बायोस की सेटिंग देख लेते हैं, और उसके बाद से हम अपना ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड में लगाएंगे, और उसके बाद से इसके डिस्प्ले हम मॉनिटर के अंदर लेंगे। तो टेस्टिंग पर्पज से हम अपना मदरबोर्ड के अंदर वीजीए केबल लगा देते हैं और स्क्रू को फिट कर देते हैं। अभी हमने इसके अंदर ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका बायोस का डिस्प्ले भी आएगा और जो भी डिस्प्ले है आपके मॉनिटर के ऊपर ज़रूर आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। बायोस के लिए अलग अलग मदरबोर्ड का अलग अलग की होता है। हमारे मदरबोर्ड के अंदर डिलीट बटन या फिर F2 बटन है, और यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बायोस का अभी प्रॉम्प्ट आ गया है। आप चाहे तो माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर अप डाउन एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं अपने एडवांस मोड के ऊपर। एडवांस मोड में जाएंगे तो आपके पूरे बायोस सेटिंग के अंदर एडवांस ऑप्शन और बूट ऑप्शन, ये दोनों का ही मेनली काम होता है, इसमें ही सारी सेटिंग आ जाती है, और एडवांस सेक्शन में तो आपकी सारी सेटिंग्स आ जाती है जो कि आपको एक बायोस के लिए ज़रूरी होती है। यहाँ पर आपने जाना है सिस्टम एजेंट कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर देखिए ग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्राइमरी डिस्प्ले। प्राइमरी डिस्प्ले के अंदर अगर आपने ऑटो कर रहे हो तो आपका जो मदरबोर्ड के अंदर जो स्लॉट है वो लेगा, लेकिन अगर आपने ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर लिया है तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। तो अभी आपने ऑटो कर रखा है तो कभी कभी क्या है, ये ऑटो के ऊपर आपका ग्राफिक का स्लॉट लेगा नहीं, तो हमने यहाँ पर एक सेटिंग करनी होती है PCI की सेटिंग, यानी कि आप अपना ग्राफिक कार्ड PCI स्लॉट में लगा रहे हैं तो PCI के ऊपर इसे रखिए। तो अभी क्या होगा, आपने जो ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल किया आपके मदरबोर्ड में तो उसका जो स्लॉट है वो एनेबल हो जाएगा। तो सेटिंग करना है आपने प्राइमरी डिस्प्ले का, यहाँ पर ऑटो में से आपने PCI कर देना है और इसे 7 एग्जिट कर देना है। 7 एग्जिट के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, F10 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप एग्जिट करके यहाँ पर ऑप्शन आपको आएगा सेव चेंज एंड रिसेट का, उसे आप कर दीजिए यस। तो आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो सिस्टम है वो दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारे मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले ज़रूर आएगी, तो हम अभी अपना ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करते हैं।
हम सबसे पहले अपने ग्राफिक कार्ड के ऊपर पीसीआई केबल को इंस्टॉल करते हैं। चलिए लगा दिया हमने, और अब अपने ग्राफिक कार्ड को पीसीआई स्लॉट के अंदर लगाते हैं। ध्यान में रहे कि पूरा आपका जो ये ग्राफिक कार्ड है वो पूरी तरह से इंस्टॉल होना चाहिए। और यहाँ पर आपने अपना वीजीए केबल लगा देना है। इसको निकाल देता हूँ मैं, क्योंकि हमें अभी यहाँ से डिस्प्ले नहीं आएगी। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना कंप्यूटर। मैं टेस्टिंग के लिए अपना माइनिंग की पेन ड्राइव भी इसमें डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं अभी हमारी डिस्प्ले आ चुकी है। हमने अपनी डिस्प्ले लिया हुआ है ग्राफिक्स कार्ड से। तो काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि हम ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करते हैं तो हमारे डिस्प्ले चली जाती है, और हम अपने मदरबोर्ड के अंदर वीजे केबल डालते हैं तो वहाँ भी हमारी डिस्प्ले नहीं आती है, और हमारे ग्राफिक कार्ड में तो कोई स्लॉट ही नहीं दिया हुआ है कि जिसको हम वीजे केबल कनेक्ट कर सके। तो इसके लिए मैंने आज ये वीडियो आपके लिए बनाई है, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो पाए।